Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की हमारी रेसिपी पनीर काली मिर्च है, जिसे हम व्हाइट ग्रेवी में बनाएंगे। इसमें बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल होते हैं, पर जायका बहुत ही बेहतरीन होता है। तो आइए पनीर के इस नवाबी अंदाज में रिच ग्रेवी में तैयार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। पनीर काली मिर्च के लिए उसकी ग्रेवी हमें तैयार कर लेनी है। और ग्रेवी के लिए हमें सबसे पहले पनीर काली मिर्च है तो व्हाइट ग्रेवी में, तो इसके लिए सबसे पहले हमने ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज के प्याज मोटे मोटे काट लिए हैं, इसको छील करके। और इनके साथ 3 से 4 हरी मिर्च है और ये 1 टुकड़ा अदरक का है। और इनके साथ काजू है, काजू हमने यहाँ पे टूटे हुए काजू लिए हैं, ये ग्रेवी में डालने के लिए सही रहते हैं, इसलिए ये टूटे हुए काजू हैं, इनको हमने 20 से 25 ले लिया है। और इसके साथ तरबूज का बीजा है, ये 2 चम्मच हमने लिया है। और मसालों में ये दालचीनी का 1 स्टिक जाएगा, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च। और इन सभी को हमें एक पैन में डाल करके इसमें 1 कप पानी हम डाल लेंगे। और 1 कप पानी डालने के बाद हमें इसे गैस पे 4 से 5 मिनट के लिए नरम होने तक का हमें पकाना है। और पकाने के बाद इसे हमें ठंडा करके इसकी फाइन पेस्ट बना लेना है मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके। जब ये हमारा पेस्ट बन जाएगा, तब इसे हमें छन्ने से इसको छान लेना है, ताकि पीसने में अगर कहीं मसाले या कोई भी एक आठ टुकड़ा इसका रह जाएगा तो वो अच्छे से निकल जाएगा और हमारी स्मूथ ग्रेवी बनेगी, कहीं भी हमारा ये मसाले का कोई भी टुकड़ा हमारे मुंह में नहीं आएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और इतना हमने प्याज और ये काजू और जो भी सामान हमने ये बताया है आपको, ये 1/2 किलो पनीर के लिए है। 1/2 किलो पनीर का मैं काली मिर्च बनाना बता रही हूँ। तो आइए इसे गैस पे हमें पका लेना है। हमें धीमी आंच पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है और इसको ठंडा होने के बाद हमें इसको पीस लेना है। तो आइए इसे हमें पका लेते हैं। मिर्च के लिए जो ग्रेवी हमने चढ़ाया था वो हमारी नरम हो गई थी और उसे हमें ठंडा करके पीस लिया है। और पीसने के बाद इस तरह से हमें छन्नी से छान लेना है। और छानने के बाद ये देखिए मसाले के थोड़े से छिलके, बड़ी इलायची छोटी इलायची के और ये जो दालचीनी के टुकड़े रह गए हैं वो हमारे ये निकल जाएंगे और एक स्मूथ हमारा ग्रेवी हमें मिलेगा। अगर इसको हम नहीं छानते तो खाने में आता तो ये खराब लगता है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ग्रेवी के लिए जो तैयार कर रहे हैं उसको ठंडा करने के बाद पीसने के बाद इस तरह से छन्ने से जरूर छान लें, ताकि ये हमारा ये सब निकल जाए, ऊपर से छिलका जो रह गया है मसालों का या पीसने में कुछ रह गया है वो निकल जाएगा। और इस तरह से ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा ये स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। अब एक पैन ले लेंगे, पैन में हमें 1 चम्मच बटर लिया है और बटर के साथ 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है। और इसमें हमें ये ग्रेवी जो हमने बनाया है इसे डाल देंगे। अगर आप लहसुन अदरक खाते हैं तो जब आप तेल डाले हैं तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डाल करके उसे आप भून लें और फिर उसके बाद ये व्हाइट ग्रेवी जो आपने बना कर रखा है उसे डालें। और इन्हें हमें भून लेना है अच्छे से। और यहाँ पे हमने पनीर को क्यूब में काट लिया है, आपको जो भी साइज अच्छा लगता हो वो काट लें। और इसके साथ हमें इस ग्रेवी को थोड़ा सा हमें पतला करना है, तो हमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ 1 कटोरी लिया है, जितना जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम डालेंगे इसमें। और इसमें हमने फ्रेश क्रीम 2 चम्मच लिया है, ये जो हमारा तैयार होने के बाद हमें इसमें डालना है। और यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च हमने लिया है, 15 से 20 दाने हमने इसको क्रश कर लिया है, ये जाएगा इसमें। और 2 हरी मिर्च इसमें जाएगी और 1.5 स्पून हमें
इसमें नमक डालना है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक की क्वांटिटी देख लें। अभी हमें नमक इसमें नहीं डालना है, बाद में मैं नमक डालूंगी। इसे थोड़ा सा भून लेते हैं, 2 से 3 मिनट हमें इसको भून लेना है अच्छे से। मैंने इस ग्रेवी को बनाने के लिए बटर और कुकिंग ऑयल का दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ बटर भी डाल सकते हैं इसमें। ग्रेवी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है हमारा, और ये देखिए तेल में जो हमने बटर डाला था वो छोड़ भी दिया है। अब ये हमारा भुन गया है। अब इसमें हमें टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लेना है, और नमक के साथ हमें इसमें काली मिर्च, इनके साथ जो हमने ये पनीर का क्यूब काट के रखा है वो डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हमें दूध ऐड करना है ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी से बन जाए, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमें पनीर डालने के बाद पका लेना है। इसमें हमने 1/2 कप दूध इसमें डाल दिया है, और 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको ढक देना है। 1 से 2 मिनट के लिए हमारा ये जब पक जाएगा तब हमारा ये पूरा तैयार हो जाएगा काली मिर्च, पनीर काली मिर्च। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको पका लेना है, और स्लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। 2 से 3 मिनट हो गया है हमारा ये पनीर पकते हुए, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये हमारा तैयार हो गया है, और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हमें फ्रेश क्रीम डाल देना है। आप चाहे तो घर की क्रीम ले लें या मार्केट की क्रीम ले लें, और इस तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है, और सर्विंग बाउल में हमें इनको निकाल लेना है। पनीर आप बना रहे हैं तो ग्रेवी में हमेशा जब आप ग्रेवी छान करके ही इस्तेमाल करें, जो हमने पकाने के लिए रखा था उसको हमने मिक्सी ग्राइंडर में पीसने के बाद इसको छन्नी से छान लिया था, क्योंकि एक भी मसाले अगर आप खा रहे हैं काली मिर्च व्हाइट ग्रेवी में, और एक भी खड़े मसाले अगर मुंह में आ जाते हैं तो वो जायका खराब कर देता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमारा काली मिर्च तैयार हो गया है, आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे रोगन से गार्निश करूंगी, और इस तरह से ये हमारा काली मिर्च तैयार हो गया है। पनीर काली मिर्च व्हाइट ग्रेवी में तैयार है, आप भी जरूर ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर दें। आप सभी के प्यार का इंतजार रहता है। आप इसी तरह से हमारे हंग्री स्पून चैनल को अपने दोस्तों परिवार में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना, अपने परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें, और साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.